हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज के व्लॉग में हम लोग आ चुके हैं तोचाल की वादियों में। तो मैं आज का पूरा व्लॉग शूट कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी चीज है, मैं ऊपर आ चुका हूँ। हम देखेंगे पूरा वीडियो, स्टे ट्यून एंड चलिए चलते हैं। दोस्तों, जमीन से 4000 मीटर ऊपर जाने के लिए हम लोग तैयार थे। सुबह 6 या 6:30 के अराउंड हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ से 3 घंटे की दूरी पे हम लोगों को जाना है, तो बीच में हम लोग थोड़े से रोड्स देखेंगे और चलेंगे तोचाल की पहाड़ी की ओर। दोस्तों, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं 3-3.5 घंटे बाद जो डेस्टिनेशन पे हमको पहुंचना था, तोचाल की पहाड़ी की ओर। यहां से हम लोग लेंगे रोपवे और रोपवे से हम लोग जाएंगे ऊपर की साइड। 4000 मीटर तक हमको ऊपर रोपवे लेके जाएगा कुछ अलग अलग लेवल्स में। तो बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है मेरे लिए, बहुत ही नया है, पहली बार मैं ये ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आई होप ये बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। सो ऑफकोर्स अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना और चलिए आगे चलते। दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं आई थिंक 4th या 5th लेवल, बट हमको इससे भी ऊपर जाना है। सो और आगे हम लोग जाएंगे यहाँ से दूसरे रोपवे के लिए। दोस्तों, एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस के बाद हम लोग फाइनली ऊपर आ चुके हैं। थोड़ा सा डर लग रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि इसके भी ऊपर एक फ्लोर है जो कि अभी बंद है, तो वहाँ पे कुछ काम चल रहा है। इट वाज़ दी हाईएस्ट हाइट जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगा, लेकिन हमको पता चला कि यहाँ पे सेफ्टी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा जाता है। सो हम लोग श्योर थे कि सेफली पहुँच जाएंगे। सो आगे देखते हैं, यहाँ पे नीचे से बहुत ही कम टेम्परेचर, अगर नीचे की बात करूँ तो आई थिंक वहाँ पे 30 डिग्री आसपास का टेम्परेचर था। यहाँ पे ऑलमोस्ट टेम्परेचर है 9 डिग्री, तो आप सोच सकते हो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अगर इसके ऊपर हम लोग जाते तो शायद वहाँ पे 1 or 2 degree जैसा भी हो सकता था, लेकिन अभी हमें वहाँ जाने का मौका नहीं मिला। यहाँ पे एक्सप्लोर करते देखते क्या क्या चीज़ है, तो चलिए मेरे साथ।
गाइज लुक एट द ब्यूटी, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है। ऐसा लग रहा है कि बस यहीं पर रहे हम लोग। मैंने बहुत सारी प्लेसेस अपनी लाइफ में विज़िट किया है और मैं अगर दिल से बताऊँ तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे मैं वापस आना ज़रूर चाहूँगा। मैं उदयपुर, आबू, गोवा बहुत सारी प्लेसेस पे पहले भी जा चुका हूँ, लेकिन इसका एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो यहाँ की ब्यूटी बहुत ही अमेजिंग है। सो अगर आप ईरान में आ रहे हो तो ये इस जगह पे आप ज़रूर आइएगा। तो चलिए चलते आगे की ओर। सो दोस्तों, फाइनली आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ आवर्स हम लोग जा रहे हैं नीचे की साइड, तो देखते ऊपर से कैसा व्यू दिखेगा। ये थोड़ा सा और मुश्किल होगा क्योंकि हम लोग नीचे की साइड जा रहे हैं, तो स्पीड थोड़ी सी मेरे ख्याल से बढ़ेगी, और जब आप ऊपर की हाइट से आ रहे हो तो और आपको डिफ़िकल्ट लगता है। बट एनी वे वी हैव टू फेस इट। सो चलिए जाते हैं नीचे की ओर और हम लोग एंड करेंगे ये व्लॉग को।